हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स प्ले टाउनशिप। गाइस इस वीडियो में आपको अपना पुराना टाउनशिप का टाउन शो करने वाली हूँ। उसका मैं कंप्लीट आपको बताऊँगी। ये मैंने तकरीबन जब से नया फातिमा टाउनशिप शुरू किया तब से ये नहीं खेला है मैंने। ये इस पर मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है और मैंने इसमें 1 रुपया भी वन कोई इसमें पैसे नहीं डाले मैंने। तो ये मैं आपको पहले से ही दिखा चुकी हूँ इस इवेंट को, इसलिए इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और हम बैक पर जाएंगे ताकि ये स्किप हो सके। वीडियो की स्पीड को थोड़ा तेज़ कर दिया है ताकि ज़्यादा ना हो। ओके, तो मैं आपको कलरफुल पज़ल का लेवल भी दिखा देती हूँ। इसका मेरा एक ही लेवल है क्योंकि मैंने इसका अभी तक एक लेवल भी पास नहीं किया इस टाउन से। ओके, पायरेट ट्रेजर में देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। रेंडमली मैं चूज़ कर रही हूँ कहाँ तक जाता है ये। एंड गाइस ये 5,000 का टाउनशिप का कैश देख रहे हैं। ये मेरा तकरीबन 7,000 था लेकिन ये मैंने यूज़ कर लिया था फातिमा के गेम में इस्तेमाल करने के लिए, क्योंकि जब मेरे उस टाउन का हेल्प की चाहिए होती थी तो मैं कैश यूज़ कर लिया करती थी। सो गाइस, न्यू कम्युनिटी बिल्डिंग और फैक्ट्रीज आई हुई हैं तो मैं इनको परचेज़ कर रही हूँ। कॉइन्स की तो कमी नहीं है, कॉइन्स 4 मिलियन है मेरे पास और ये सारे मेरी अपनी मेहनत थी और ये मैंने इस टाउन से बहुत ज़्यादा अच्छा वक्त गुजारा है वो इस टाउन से, क्योंकि उस वक्त एंजॉय करते थे आप गेम को, स्ट्रेस नहीं होता था, आप स्टक नहीं होते थे चीज़ों में। अपग्रेड कर लेती हूँ बर्न को। ओके, तो गाइस अभी टूल्स कुछ हैं और ट्रेंड्स भी हैं मेरे पास। अभी फार्मिंग का इधर उधर है, इनको मैं सेट करूँगी। जब मैं इसको यूज़ करती थी, जब आपको डेकोरेशन की चीज़ें बताती थी तभी मैंने उसको यूज़ किया था। ये बहुत ज़्यादा मेहनत के साथ मैंने सोच कर टाउन को डिज़ाइन किया था। इसका थोड़ा सा विज़िट भी मैं आपको करवाऊँगी। अभी मैं ट्रेन को फिल करने की कोशिश करती हूँ। जब ये मैं टाउन को पुराने की तरह बना लूँगी जैसा मेरा पहले था, तब मैं इसकी अलग से एक वीडियो भी बनाऊँगी कि मैंने इस टाउन को किस तरह से बनाया था। ओके गाइस, मैं आपको डेकोरेशन भी शो करती हूँ कि मेरे पास ओल्ड डेकोरेशन जो आप लोगों के पास अभी नहीं होंगी। पहले बहुत ज़्यादा डेकोरेशन अच्छी अच्छी आती थी और फ्री में मिलती थी। अभी सारा गोल्डन टिकट में ऐड किया हुआ है कि जो उसको परचेज़ करता है सिर्फ उसे ही गोल्डन टिकट मिलता है। पहले इवेंट भी बहुत अच्छे हुआ करते थे, खेलने में भी मज़ा आता था और इतने इजी भी नहीं होते थे, सॉरी इतने डिफ़िकल्ट नहीं होते थे। ये सारे मैंने अर्न किए हैं, सारे मैंने खेल खेल के। इसके अलावा मैंने टाउनशिप के कैश से भी ये परचेज़ किए हैं। पहले जब मैं टाउनशिप को खेलना शुरू किया था तो उस वक्त मुझे बिल्कुल इसको खेलना नहीं आता था, कैसे खेलना है क्या करना है। हाउस ऑफ लक में भी मैं सारा टाउनशिप का कैश लगा दिया करती थी, इतना बेसिक था उसमें। उसके बाद डे बाय डे इसको चीज़ों को मैंने सीखा और अभी मैं आपको माइन के टूल्स भी दिखाती हूँ मेरे पास कितने हैं। विदाउट एनी बूस्टर एनी एक मैंने गोल्डन विदाउट एनी गोल्डन टिकट। तो ये थोड़ी सी लोडिंग हो जाए जब तक मैं आपको ज़ू दिखाती हूँ। ये मेरा ज़ू का डेकोरेशन एरिया है। मैंने वाटर और स्नो वाले एनिमल्स से उनको अलग किया है, इनके इनक्लोज़र्स को, रेस्टोरेंट्स को मैंने अलग किया है। ये मेरी सारी प्रोफाइल पिक्चर्स हैं जो मैंने फर्स्ट सेकंड थर्ड में आने के बाद चूज़ की थी। तो ये भी लोडिंग हो गई है इसकी। मैं टाउनशिप का हाल दिखाती हूँ मेरे पास क्या क्या इसमें मैंने शिप्स वगैरह को किया हुआ है और अचीवमेंट्स अभी जो रिसेंटली आई हैं सिर्फ वही मैंने कंप्लीट नहीं की हैं, क्योंकि उस वक्त फिर मैंने गेम को खेलना बंद कर दिया था। इसके अलावा ये सारी कंप्लीटेड हैं।
रीडिज़ाइन पर जाकर देखती हूँ, शायद अभी ये लोडिंग हो रही है, तो लोडिंग होने के बाद ये मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था, पार्शियली कंप्लीट हुआ था, क्योंकि उस वक्त मैंने गेम खेलना बंद कर दिया था, ये जब के हाल हैं। ये अच्छा खूब है पेरेंट्स फॉर किड्स, पेरेंट्स किड्स के नाम से, के जो पेरेंट्स हैं जो नहीं खेल सकते उनके लिए अच्छा ऑप्शन है। ओके गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।